हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश्वर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो क्लास नंबर टू स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मेट हमने देख लिया था। फॉर्मेट नंबर वन हमने पढ़ा था बाई डायरेक्ट फॉर्मूलेज। तो डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करके हमने इंटीग्रेशन कर लिए हैं, ठीक है ना जी बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने इंटीग्रेशन कर रखे हैं। अब हम फॉर्मेट नंबर टू में आ रहे हैं। ओके, फॉर्मेट नंबर टू के जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे? लेकिन फॉर्मेट नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी तक आपको जो फंक्शन लिखता था वो सीधे एक्स में रहता था। कैसा रहता था? सीधे एक्स में। अभी तक जितने आपने इंटीग्रेशन करे हैं, आज जो आप इंटीग्रेशन करेंगे वो ए एक्स प्लस बी की मिक्स फॉर्म रहेगी। मतलब एक्स अकेला नहीं रहेगा, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में रहेगा, या बद से बदतर हुआ तो मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ ना कुछ प्लस में रहेगा। जैसे मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3। ओके, तो यदि मैंने सिखाया था आपको कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोले थे माइनस कॉस x। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप माइनस कॉस 2x प्लस 3 लिख के आएंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है सिंगल x का, ये x का फंक्शन है। पहले साइन डायरेक्टली एक्स वेरिएबल में ऑपरेट होता था और आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते थे। अभी आप डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट ये जो टर्म है ये वेरिएबल नहीं है, समझ रहे हो ना? ये क्या है? एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। और अच्छे से बोलूं तो पहले जब इंटीग्रेशन एक्स का करते थे तो वेरिएबल कौन था? एक्स। और सीधे जो साइन था वो सीधे सीधे एक्स पे डिपेंड करता था। साइन सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता था? एक्स पे। अब साइन क्या सीधे सीधे एक्स पे डिपेंड कर रहा? नो, साइन 2x प्लस 3 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चेक करना है कि क्या फंक्शन सीधे एक्स पे डिपेंडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ना। साइन किस पे डिपेंड कर रहा? 2x प्लस 3 पे। हाँ, 2x प्लस 3 एक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 2x प्लस 3 एक्स का फंक्शन है। 2x प्लस 3 किसका फंक्शन है? एक्स का। तो 2x प्लस 3 एक्स का फंक्शन है। तो जिस अभी आज यहां पे जो साइन है वो 2x प्लस 3 पे डिपेंड कर रहा है, x पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर x पर डायरेक्टली डिपेंड कोई फंक्शन ना करे तो आपको यहां पे फॉर्मेट नंबर 2 लगाना पड़ेगा। और फॉर्मेट नंबर 2 कहता है टेंशन को t मान लो। समझ गया ना? जैसे डिफरेंशिएशन में काश तुम t होते, तो वही फिर से सोचो, काश तुम x होते तो मैं तुम्हारा डायरेक्ट कर लेता। बट याद रखना, ये केवल तभी तक अप्लाई है जब तक कि x की पावर 1 है। ये देखिए, यहां x की पावर क्या है? 1 है। तो आप यदि ऐसा कभी भी हो, फंक्शन का टाइप f ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या करेंगे बच्चा लोग? ए एक्स प्लस बी को t सपोज कर लीजिए। क्या सपोज कर लीजिए? t। तो जहां पे ए एक्स प्लस बी वहां पे क्या रखोगे? t रखोगे। वेरिएबल क्या था? dx था। अपना जो ऑपरेटर था वो क्या था? dx था। तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब फंक्शन आपका टी में जा रहा है तो यहां भी अपन को dt चाहिए है। तो dt लाने के लिए क्या करना है आपको? सीधे इसको डिफरेंशिएट करो, dt बाई dx करे। तो क्या आएगा? यहां भी आएगा d बाई dx ax प्लस बी। चलो, ax का डिफरेंशिएशन, a भाई a कांस्टेंट, x का 1 आधा डालो यार। मैंने कहा ना डिफरेंशिएशन यूज होगा इंटीग्रेशन में, भी यूज हो रहा है। b का कितना? 0। वेरी गुड बेटा। और यहां पे dt by dx, तो dx की वैल्यू निकाल लो। dx इक्वल टू कितना आ गया? dt अपॉन a। क्यों निकाल ली? अरे भाई, dx को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि t में आ रहा क्वेश्चन, तो जब वेरिएबल भी t का है तो इंजेक्शन भी तो t का लगाओगे। तो चलो जी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन हो जाएगा फंक्शन ऑफ t और dx की जगह dt by a। तो क्या हो गया? 1 अपॉन a और इंटीग्रेशन एफ टी dt। समझ में आया? तो ये तो ट्रिक भी बन गई। ट्रिक क्या बन गई? a बाहर आता है डिवीजन में, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही है। a क्या है यहां पे? जैसे क्वेश्चन जो दिया था मैंने पिछला, साइन ऑफ 2x प्लस 3, a क्या है? 2 है। तो यहां आंसर आएगा 1/2, और साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन वैसे का वैसे ही, इसको t लेकर के क्या जाएगा? माइनस कॉस 2x प्लस 3। ये माइनस मल्टीप्लाई में है। ये तो ट्रिक मैंने बता दी है। अब चलिए इसको पूरा मेथड से करके बताता हूं। थोड़ा यहां पे जल्दबाजी कर दी मैंने, जिनको समझ में आ गया ठीक है, ना समझ में आया कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा।
चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x प्लस 3, ओके, आई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3, चमक उठी आंखें, x में 1 पावर 1 है, ले लो भाई 2x प्लस 3, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x को dx को गैप करना है, एक ही तरीका dt by dx, डिफरेंशिएशन 2 into 1 प्लस कितना 0, आदर डालो बड़ी स्पीड में, 2 कांस्टेंट x का 1 3 का 0, तो भैया मेरे dx की वैल्यू निकाल लो, dx ऊपर चला गया और ये बचा 2, तो dt by 2, बोलो दिखा कि ना दिखा, भाई dt by dx इक्वल टू 2 आएगा, तो 2 आ गया नीचे और dx आ गया ऊपर, तो dx की वैल्यू क्या मिल गई, dt by 2, आ जाओ क्वेश्चन क्या बन गया, I is equal to sin, किस में बदल गया, t में, यही तो चाहिए था, और dx की जगह dt whole divided by 2, तो constant को तो बाहर लिख लो integration के, चलिए sin t dt क्या होता है, minus cos t, तो ये minus लिखा और sin t का integration क्या होता है बेटा, cos of t, प्लस सगुन का माल c, t की वैल्यू प्लेस कर दो जी, आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2 कॉस ऑफ, ये है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत, तो आपको जितनी भी पावर 2 t की 1 दिख जाए सब में यही करना है, t की पावर 1 जितनी भी दिख जाए ना बेटा सब में आपको यही करना है, यही मेथड लगानी है, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन आपको t की पावर 1 में दिख जाए, एग्री, कोई प्रॉब्लम, मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को रोक रखा था साइन 2x e की पावर ax प्लस b, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आए थे, अब देख लीजिए वही क्वेश्चन, चलिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax प्लस b था आई थिंक, या 2x प्लस 3 व्हाटएवर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये था मैंने रोक दिया था भाई मत करना क्योंकि फॉर्मेट पढ़ाया नहीं था, काश x की पावर क्या है 1 है यार, ax प्लस b को ले लो t, कितना ले लिया t, डिफरेंशिएट कर दो dt by dx इक्वल टू कितना हो गया a, तो dx इक्वल टू कितना हो गया जी dt by a, आ जाओ यही बन जाएगा e की पावर t और dx की जगह dt अपॉन कितना a, 1 by a बाहर हो गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t ही होगा, तो 1 अपॉन a ब्रैकेट में e की पावर t और प्लस कांस्टेंट 1 by a, t की वैल्यू रख दो यार e की पावर ax प्लस, मतलब लॉजिकली हो क्या रहा है, कोफिशियंट डिवाइड में हो रहा, बस डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कोफिशियंट मल्टीप्लाई में, याद आया वहां पे मल्टीप्लाई में जाता था और यहां पे क्या में आ रहा, डिवाइड में, ठीक ना, 1 बाई ए प्लस सी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, एक और देख लो साइन 2x साइन 3x कुछ भी ले लो, तो साइन 2x का देख लेते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का dx, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मिला था छुड़वा दिया था मैंने, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, 2x को t ले लो, लेट 2x इक्वल टू t, dt by dx इक्वल टू कितना हो गया भाई 2, तो dx इक्वल टू कितना हो गया dt by 2, i is equal to साइन 2x की जगह t और यहां पे dt by 2, 1 by 2 साइन t dt, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी, 1 बाई 2 माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी, ठीक है ना, टी की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ गया, माइनस 1 बाई 2 कॉस ऑफ 2x प्लस कितना सी, चलिए नोट कर लीजिए, तो इस टाइप के सिंपल आंसर है, सिंपल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसमें ए एक्स प्लस बी का होल पावर 2, ठीक है, तो वैसे उसको होल स्क्वायर से भी ओपन करके कर सकते हो, पूरा ओपन करके भी कर सकते हो, और वैसे भी करना हो तो वैसे भी कर लो, चलिए देखिए जो आपने सवाल पूछा है, ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल पावर 2, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल पावर 2, दो तरीके हैं करने के भाई, या तो टी ले लो वो भी चलेगा है ना, और या तो ओपन कर लो, ओपन करके आई थिंक पिछली क्लास में कर रखा आप लोगों ने, अरे भाई ओपन करने का मतलब होल स्क्वायर ओपन करो ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर का dx, यही तो होगा, अब अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लिया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का dx प्लस इंटीग्रेशन 2abx का dx प्लस इंटीग्रेशन b स्क्वायर का dx, बोलो यस, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री। अरे कहाँ डिफरेंस इंटीग्रेशन चल रहा है, टू एक्स स्क्वायर वो डिफरेंशिएशन होता था, एक्स क्यूब बाई थ्री क्या लगता था फॉर्मूला अभिषेक, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वो इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन में लगता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस क्या कॉन्स्टेंट है, टू कॉमन ए कॉमन कॉन्स्टेंट बी का बाहर एक्स बचा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, यहाँ बी स्क्वायर बाहर हो, डीएक्स का क्या होता है बच्चों एक्स होता है, डीएक्स का क्या होता है एक्स, बस हो गया सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये है, अब तो लिख लोगे ना इसको। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको आप टी ले लो, दूसरा तरीका आपने इसको क्या ले लिया टी, तो लिखना पड़ेगा फिर से आपको ए एक्स प्लस बी को लो, भैया जी मैंने टी स्वीकार कर लिया तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बन गया ए, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी बाई ए। चलिए तो इंटीग्रेशन ये हो गया टी का स्क्वायर और यहाँ पे डी टी और होल में क्या आ गया वन बाई ए, बोलो यस वन बाई ए टी का स्क्वायर डी टी तो कितना हो गया वन बाई ए टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, फॉर्मूला ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वन बाई ए टी की वैल्यू पुट कर दो क्या है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस कितना सी, क्लियर है नोट करो। हाँ जी हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं आंसर यही होगा चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए फॉर्मेट नंबर थ्री, फॉर्मेट नंबर थ्री लिखे टाइप थ्री या फॉर्मेट थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स तो आप लोग याद होगा एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, इसको मैं बोलता हूं नीचे दुकान ऊपर पकवान, इस टाइप का नाम है लिखो। अब जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा नीचे दुकान ऊपर पकवान दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। ये देखिए नीचे दुकान ऊपर पकवान टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको एफ एक्स इक्वल्स टू टी ले लेना है बस, अब फिर वही जनरल प्रोसीडिंग उसी टाइप से आगे बढ़ाते रहना है, जैसा करते आए वो काम वैसे मिल जाएगा। चलो आ जाओ देख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बेटा आपके पास देखिए, जैसे आपके पास कोई इंटीग्रेशन है आई इज इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, भाई मेरे टेन एक्स को क्या लिख सकूं मैं, टेन एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बोलो हाँ। अब बताओ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक टिप्स पे होना चाहिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस वन एक्स की चिंता बिल्कुल मत करना, इस चैप्टर में कोफिशियंट की भी चिंता बिल्कुल मत करना, अगर कॉस एक्स का मान लो टू साइन एक्स भी होता होता ना, अपन को केवल वेरिएबल वाले पार्ट से मतलब है, अपन को बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो आपके मन में दो चीज चल, सर साइन एक्स का भी तो कॉस एक्स होता है, सर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है बट साइन एक्स का भी तो कॉस एक्स होता है, तो अगर ऊपर वाले को टी ले लोगे तो नीचे डी टी नहीं बैठ पाएगा, नीचे डी टी बैठने का कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये देखो ये जो इंजेक्शन बैठा हुआ ऊपर बैठा है न्यूमरेटर में, उसको नीचे नहीं ले जा सकते अपन, तो देखो क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस की चिंता छोड़ दो, तो चलो नीचे वाले को टी ले लेंगे, तो लिखो लेट टी इज इक्वल टू क्या कॉस एक्स, अब डी एक्स निकालना है तो टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना भाई माइनस साइन एक्स, बोलो हाँ। तो यहां से डी टी इक्वल टू क्या माइनस साइन एक्स डी एक्स, यस और नो, तो इस माइनस साइन को पलटी मार के यहां दे दो, मतलब साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या रख सकता हूं मैं माइनस डी टी रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस में मैं माइनस डी टी रख सकता हूं, तो देखो इंटीग्रेशन माइनस बाहर यहां पे क्या आ गया टी अपॉन में कॉस एक्स को क्या माना था बेटा टी, बोलो यस और नो, ये क्या दिख गया माइनस ये दिख रहा है वन अपॉन टी एंड डी टी, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था लॉग एक्स, तो वन बाई टी का क्या होएगा लॉग टी, तो लॉग ऑफ मॉड टी प्लस क्या सी, क्लियर हुआ, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या कॉस एक्स, आंसर आ गया बच्चों माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कितना सी, बोलो यस, माइनस का मतलब क्या होता है माइनस वन, माइनस का मतलब इस माइनस वन को मैं इसके पावर के ऊपर फेंक सकता हूँ कि नहीं फेंक सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है लॉग की यार,
लॉग एम की पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग एम, तो ये एन आगे आ सकता है ना, तो जब आगे आ सकता है तो पीछे भी तो जा सकता उछल करके, तो ये माइनस वन को यहां से हटाऊंगा तो किधर किसके ऊपर जाएगा, बोलो यस, मतलब लॉग वन अपॉन कॉस एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स को क्या बोलते हैं सेक एक्स, क्या बन गया सेक एक्स। तो बेटा फाइनल इसका इंटीग्रेशन लिख लो लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, याद भी होना चाहिए, बहुत जगह डायरेक्ट यूज होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना, फटाक से लिखो। चलिए एक और एग्जांपल लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का डीएक्स, बोलो बच्चों, देखो नीचे दुकान ऊपर पकवान, दिख रही कि नहीं दिख रही, नीचे साइन एक्स है ऊपर क्या है कॉस एक्स है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो नीचे वाले को क्या मान लेते हैं टी, तो लेट टी बराबर क्या बेटा साइन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होएगा बोलो कॉस एक्स, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूं डी टी से, और अपॉन में क्या आ गया टी, टी आ गया वन बाई टी डी टी क्या हो गया बेटा लॉग टी, वन बाई टी डी टी लॉग टी प्लस सी लगा दो, टी की वैल्यू क्या हो गया लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, नोट करिए, ठीक है। अगला लिखिए नेक्स्ट फॉर्मेट, लेकिन नेक्स्ट फॉर्मेट नंबर फोर, फॉर्मेट नंबर फोर का नाम है लिखो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, फॉर्मेट फोर, फॉर्मेट नंबर फोर कहता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को पहचान सकते हो ये फंक्शन कैसा दिखाई देगा, आपको एक ही जगह पर एक फंक्शन दिखाई देगा और दूसरी जगह पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखाई देगा, इस टाइप से उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा, समझ गए ना, तो कहीं निगाहें टिकाओगे और उस निगाहों का डिफरेंशिएशन कहीं और दिखाई देगा, समझ गए, तो करोगे क्या एफ एक्स को टी मान लोगे, एफ एक्स को क्या मान लोगे टी मान लोगे, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आइए दिखा देते हैं आपको एक क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये बेहतर। देखिए टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड सॉरी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डीएक्स, ये है ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब पहले इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, देखने का नजरिया होना चाहिए, वो नजरिया डेवलप होगा बच्चों प्रैक्टिस से, तो कैसे देखोगे इसको, देखना tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाई, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन को पलट करके वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और बच्चों आपको याद होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया अगर यहां पे निगाहें टिका रहे हो तो ये क्या लग रहा है निशाना है कि नहीं है, यहां पर अगर ये निगाहें हैं तो ये क्या है निशाना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ही तो है, मतलब यदि ये एफ एक्स है तो ये क्या है एफ डैश एक्स, तो किसको टी मानते थे निगाहों को जो पहले दिख रहा था, है ना, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो किसका प्रेजेंट है इसका, तो इसे टी मान लो, तो लिखेंगे लेट टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, चलो डिफरेंशिएट कर दे भैया डी टी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स को ऊपर फेंको, फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा dx के साथ क्या बन रहा है dt बन रहा है ना, तो इसको dt संभाल लो, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू tan इनवर्स x को क्या माना है बेटा आपने t, tan इनवर्स x को t माना है, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया dt, ओहो ये तो बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, ये तो जानते हैं अपन, t स्क्वायर बाई 2 आएगा इसका, तो कितना आ गया इसका t की पावर 1 था तो 1 प्लस 1 x वही फॉर्मूला लग गया अपॉन टू प्लस कितना सी, तो टी की वैल्यू पुट कर दो,
टी की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। आ गया समझ में, नोट करो। तो यार इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये क्वेश्चन तो आपको कैसा भी उल्टा पुल्टा दे देगा, बट आपको गेंद को अपने पाले में लेके आना पड़ेगा, फिर गोल ठोकना पड़ेगा, समझ गए जी। तो आपको ऐसे इसको सिंपल फॉर्म में अब लाना है कि वो कन्वर्ट हो, ये इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके लिए मूसलाधार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोगों। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए कैसे करेंगे, दो तरीके हैं बेटा। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है, तो यहाँ पे निगाहें और यहाँ पे निशाना, एक तरीका ये है, ठीक है ना। चलो कर देते हैं, क्या ले लेंगे, साइन एक्स को टी ले लेंगे। उल्टा भी मान सकते हो, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस की तो कोई चिंता ही ना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें इसको टी मानोगे तो भी आंसर आएगा, इसको टी मानोगे तो भी आंसर आएगा, तो अपन साइन एक्स को ले लेते हैं। तो लेट टी इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट करो डी टी बाई डी एक्स, क्या आएगा ये बेटा, कॉस एक्स आएगा यार। तो कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया कि नहीं बन गया, अरे डी एक्स ऊपर गया तो कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। तो ये जो इतना पार्ट है क्या बन गया, डी टी। चलो तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई साइन एक्स की जगह टी और यहाँ पे कितना डी टी, ठीक है जी। तो आंसर कितना हो गया, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आंसर हो गया टी की वैल्यू क्या है यार, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना, टू प्लस सी। कोई दिक्कत, हाँ टी टू बाई टू फॉर्मूला लग गया ना, हाँ इस टाइप में ही सॉल्व होंगे ये, है ना। अभी इसको अगर आप कॉस एक्स को टी ले लेते तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता, कॉस एक्स को टी लेके देख लो। चलो कॉस एक्स को टी ले लें अपन, यहीं पे कर देता हूँ मैं। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू अपने पास साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स डी एक्स, ले भाई कॉस एक्स को टी ले लो, टी इज इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने बेटा, कॉस एक्स, बोलो यस। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, बोल माइनस साइन एक्स डी एक्स, बोलो हाँ। ये माइनस उठा के यहाँ फेंक दो, फेंक दिया। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है, ये साइन एक्स और ये साथ में क्या डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया, माइनस डी टी। तो आई इज इक्वल टू हो गया कॉस एक्स की जगह टी और यहाँ पे क्या माइनस और ये डी टी, बोलो यस। माइनस बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है ना। तो कितना आ गया, माइनस टी स्क्वायर अपॉन कितना, टू प्लस कितना सी। तो माइनस वन बाई टू, टी की वैल्यू क्या है भाई, कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। आ गया आंसर, देखो चेंज आ रहा थोड़ा सा, समझ गया ना। तो इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा सेम होना जरूरी नहीं है, वो आपके मेथड पे डिपेंड करता है, समझ गया ना, आपके मेथड पे डिपेंड करता है। एक और मेथड बताता हूँ बच्चा लोग, ये देखिए एक और मेथड, इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड। क्या क्वेश्चन दे रखा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और क्या यार डी एक्स है बेटा। मैंने जानबूझ करके टू का डिवाइड किया और टू का मैंने मल्टीप्लाई किया, टू का मैंने डिवाइड किया और टू का मैंने, क्यों, मेरा फायदा है, आई इज इक्वल टू वन बाई टू बाहर आओ बेटा, ये फॉर्मूला बनता है साइन टू एक्स का, बोलो यस और नो। साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स का तो मैंने अभी कराया थोड़ी देर पहले क्लास में, क्या करते हैं टू एक्स को टी ले लेंगे, क्योंकि एक्स की पावर वन है ना फंक्शन के अंदर। तो लेट टू एक्स इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू टू एक्स, बोलो यस। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, टू। तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी टी बाई टू, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। तो चलिए आई इज इक्वल टू कितना हो गया, वन बाई टू पहले से बाहर है, यहाँ पे आया साइन टू एक्स की जगह टी और डी एक्स की जगह डी टी बाई कितना, टू। तो ये टू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू 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 से कितना हो गया, फोर। सो आई इज इक्वल टू वन बाई फोर और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस टी होता है ना, माइनस कॉस टी। तो ये बन गया माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी, टी का वैल्यू रिप्लेस करो बच्चों, टी की वैल्यू क्या है, टू एक्स। तो आंसर आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर कॉस टू एक्स प्लस कितना, कोई दिक्कत बन जाएगा। तो भैया एक ही क्वेश्चन के तीन आंसर है ना, अरे कोई भी करो पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, कंसेप्ट आपके सही होने चाहिए, समझ गया ना, नोट करो। लिखिए नेक्स्ट फॉर्मेट नंबर, आई थिंक फोर है ना ये, अभी थ्री करा कि फोर करा दिया, फोर करा दिया, अब लिखो फॉर्मेट नंबर फिफ्थ, फॉर्मेट नंबर फाइव है 18-20 के आसपास, फॉर्मेट नंबर फाइव।
लिखिए मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन कन्वर्जन, मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन कन्वर्जन, मल्टीप्लाई से एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये बहुत सशक्त हथियार है इंटीग्रेशन को करने के लिए। ये अगर आपके पास ताकत है कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए किसी फैक्टर को आप इन प्लस फॉर्म में या एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है। जैसे दो चीजें थी प्रोडक्ट में, कैसे, मान लो एक फंक्शन था जी वन एक्स और मल्टीप्लाई बाय जी टू एक्स प्रोडक्ट में था, आपने जुगाड़ करके इसको मान लीजिए एक फंक्शन बनाया एच वन एक्स और दूसरा फंक्शन बनाया एच टू एक्स, पहले किसमें था मल्टीप्लाई में, अब क्या है प्लस में या माइनस में, अब इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि पहले भी इंटीग्रेशन लगा था अभी भी लगा होगा, अब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, निश्चित रूप से आपकी दिक्कतें तो कम हो गई ना। तो मतलब या क्या करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन को आपको प्लस या माइनस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो अब कुछ आपको मैं फॉर्मेट्स बता रहा हूं, अब पहले अपन इसकी स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम समस्या का समाधान बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्री में समस्या का समाधान कैसे होगा अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो जैसे आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाई में है, साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाई में है, कोई साइन 5x है कॉस 6x है, तो क्या करोगे बच्चों, 2 का डिवाइड करो और 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड किया और 2 का क्या किया मल्टीप्लाई किया, ये किया तो क्या बन गया ऊपर फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी है ना, तो नहीं 2 साइन 2x नहीं बनेगा बेटा, नहीं नहीं दोनों अलग अलग हैं, अगर सेम एंगल होते तो बनता साइन 2a कॉस ए, अभी आपने 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा बेटा 2 साइन ए कॉस बी, समझ में आया। अब 2 साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यस ये फॉर्मूला है। तो अब तो देखिए किस फॉर्म में था, मल्टीप्लाई फॉर्म में था, किस में चला गया एडिशन में, है ना फायदे की बात। इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं पर 2 cos a cos b बन जाए तो क्या लिखेंगे आप, cos of a plus b plus cos of a minus b, ये फॉर्म ठीक है। तीसरा 2 sin a sin b, तो क्या बनेगा फॉर्म ये बेटा, cos of a minus b माइनस कॉस ए प्लस बी। बच्चों ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, अगर आपको ये आते हैं तो आपसे क्वेश्चन यकीनन बन जाएगा, समझ गए ना। हो क्या रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और आप इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई फॉर्म का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई फॉर्म का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जा रहा है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल ये है, जैसे आपके पास में बेटा मान लीजिए साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आपको बोला गया है, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बोला गया आपको, क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है, साइन क्यूब एक्स का मतलब एक बार साइन एक्स, दो बार साइन एक्स, तीन बार साइन एक्स, घनघोर मल्टीप्लीकेशन है, बोलो हाँ या ना, काली घटाएं छाई हुई हैं साइन एक्स की यहां। तो इतना साइन एक्स का मल्टीप्लाई है, इसको हमको एडिशन फॉर्म में बदलना पड़ेगा। देखिए एक जुगाड़ लगाइए, साइन 3x का फॉर्मूला होता है साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, बोलिए हाँ या ना। अगर 4 साइन क्यूब एक्स को यहां ले आएंगे तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू ये बचेगा बेटा 3 साइन एक्स
माइनस साइन थ्री एक्स, बोलो यस। और फोर को हटाएंगे तो यहां पे क्या जाएगा, वन बाई फोर, बोलिए यस। अब साइन क्यूब एक्स, इसी का तो करना था इंटीग्रेशन, तो ला दो भैया, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसे आई ले लोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इसकी जगह क्या बिठा दूं, ये बिठा दूं, वन बाई फोर कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, क्या अंदर बचेगा, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन। देखो बच्चों किस फॉर्म में था, मल्टीप्लाई फॉर्म में था, और किस फॉर्म में आ चुका है, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। चलिए i इज इक्वल टू वन बाई फोर, बेटा बांट दो इंटीग्रेशन, किसको बटेगा, इसको भी बटेगा, एक काम करो वन बाई फोर दोनों के साथ ले लो, इसके भी अपॉन में कर दो और इसके अपॉन में कर दो, टेंशन खत्म, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब अलग अलग करते हैं अपन बेटा, तो i इज इक्वल टू, लिखना बंद करो पहले, यहां देखो थ्री बाई फोर कॉन्स्टेंट है बाहर, अंदर कौन बचेगा, केवल साइन एक्स माइनस 1 बाई फोर कॉन्स्टेंट आ गया इसका, बोलो यस। यहाँ केवल कितना आएगा, साइन 3x का dx। अब डायरेक्ट करूंगा, अपना दिमाग लगा के बोलना, 3 बाई फोर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 4, देखो फिर से इसका माइनस निकलेगा तो ये हो गया बस, अच्छा 3 अपॉन में जाता है तो 1 बाई 12 हो जाएगा, और साइन 3x का कितना, माइनस कॉस 3x, तो माइनस तो पहले निकाल लिया हूं, केवल क्या बचा, प्लस, कितना आ गया आंसर। तो देखा आपने, मल्टीप्लाई फॉर्म को सम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नोट करो।